आदरणीय परीक्षक यहाँ उपस्थित सभी को नमस्कार। मैं कोड क्रमांक 6 आपके सामने विषय प्रस्तुत करने जा रही हूँ, आज की नारी। किसी लेखक ने खूब कहा है, एक बार बेटा बोला, माँ दिए की बाती ज्यादा करो, मैं पढ़ नहीं पा रहा। पति बोला, सुनो दिए की बाती कम करो, मैं सो नहीं पा रहा। वो रात भर दिए की बाती कम ज्यादा करती रही, पूरी जिंदगी दिए की बाती की तरह वो जलती रही। नारी का जन्म शुरू से ही इतना ही गंभीर रूप से हम सभी ने देखा है। पुराने जमाने की नारी जहाँ चूल्हा चौखा बच्चे यहीं तक उसका अस्तित्व सीमित था, पर आज की नारी उन चार दीवारों को लांघकर अपने व्यक्तिमत्व को उभारने लगी है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मैं उस देश की नारी हूँ जिस देश को लोकतंत्र वाला देश कहलाया जाता है, जिस देश की परंपरा विविधता इतनी ज्यादा है कि इस देश का मुझे गर्व है। इस देश का इतिहास सोने के पन्नों में जड़ा हुआ है। मैं याद करती हूँ झांसी की रानी, कक्षा 6 में पढ़ाई गई वो कविता, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे लोहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मुझे लगता है हर एक नारी में झांसी की रानी छुपी हुई होती है, फर्क इतना है कि किनमें से वो झांसी की रानी बाहर निकलती है। शुरुआत से ही उसने संघर्ष सहा है, शुरुआत से ही उसने विरोध सहा है। जब जब उसने आगे बढ़ने की कोशिश की तब तब समाज ने तो उन्हें विरोध किया ही, पर उसके घर वालों ने भी उसे विरोध किया, पर वो झुकी नहीं, वो रुकी नहीं, वो मुकाम हासिल करने में जुटी रही, वो तरक्की करती रही। आज जो नारी चार दीवारियों में कैद थी वो नारी मंगल तक जा पहुंची है। ये दर्शाता है कि नारी अपने अस्तित्व को अभी तक संजोए हुई है, वो अपने आप को साबित करने में जुटी हुई है। जो नारी अपने घर को संभालती है वो पूरे देश को संभाल सकती है, ये हमें पूरे विश्व को बताना है, हमें आगे बढ़ना है। आज की नारी हर एक क्षेत्र में अग्रसर है। मुझे इस बात का उल्लेख करने में बहुत गर्व होता है कि यहाँ बैठी लड़कियाँ यहाँ पे इस वजह से हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सावित्री बाई फुले इन्होंने एक संघर्ष लड़ा, इन्होंने एक लड़ाई लड़ी जिस वजह से नारी अपने क्षेत्र में अग्रसर है, जिस वजह से आज हम अपनी काबिलियत साबित कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हैं, किसी पे हम निर्भर नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि हम खुद का तो विकास कर ही रहे हैं, पर अपने साथ अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे देश का और अपने विश्व का विकास कर रहे हैं। एक नारी होने के नाते मुझे गर्व महसूस होता है कि इस देश में परिस्थिति बदल रही है, बदलाव की आंधी जो उठी है वो इन नारियों की वजह से है, और मैं ये नहीं मानती कि पुरुषी मानसिकता उन्हें रोक रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बदलाव जो हो रहा है, ये दोनों जो दो अलग अलग घटक हैं वो एक साथ एकजुट होकर इस प्रगति पथ पर चल पड़े हैं। इस प्रगति पथ पर चलने के लिए हमें अपनी एकजुटी दिखानी होगी, हमें एक साथ आने वाले हर एक संकट को दूर फेंकना होगा, आई हुई हर एक संकट को जड़ से उखाड़ के फेंकना होगा, तभी हम सही मायनों में नारी को मुक्त कर सकते हैं। इतने सारे बंधनों के बावजूद अहिंसा हो, घरेलू अहिंसा हो, या फिर समानता न मिलना हो, कहीं ना कहीं ये सब चीजें पीछे छूटती जा रही है, वो अपने व्यक्तिमत्व को उभारती जा रही है। धन्यवाद।